हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टैक। गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं ट्रू बीटीजी 3 वर्सेस ट्रू बीटीजी अल्फा बर्ड्स के बारे में। इन दोनों ही बर्ड्स की फुल कंपैरिजन करने वाले और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है गेमिंग के लिए, क्योंकि ये दोनों ही बर्ड्स स्पेशली जो है गेमर्स के लिए बनाए गए। तो आपके लिए कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है लो लेटेंसी के साथ में, सारे सामने अदर स्पेसिफिकेशन के साथ में, तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले, क्योंकि इनकी प्राइसिंग में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा करंट में और इनके स्पेसिफिकेशन में भी मिल जाएगा। तो आपके लिए कम बजट में कौन सा बर्ड्स लेना चाहिए, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूं। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन दोनों ही बर्ड्स के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। ट्रू बीटीजी 3 यहां पे आपको थोड़ा सा फनी केसिंग के साथ में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऐसा लगता है ये कार्टून टाइप में दिया गया, जबकि वहीं पे ट्रू बीटीजी अल्फा के बारे में बात करें तो ये आपको ट्रांसपेरेंट केस में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में आरबीजी लाइट का सपोर्ट जो है दिया गया, तो जब आप इसको चार्जिंग में कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक एलईडी जो है ब्लिंक करेगी, तो ये थोड़ा सा देखने में प्रीमियम लगेगा। तो यहाँ पे डिजाइन में आपको डिफरेंस मिलने वाला है, तो डिजाइन के बेसिस पे अगर आप परचेस करना चाहोगे तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अच्छा लगे। बात करें इन दोनों ही बर्ड्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ट्रू बीटीजी 3 में आपको 10 mm का टाइटेनियम ड्राइवर जो है देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ में ईएनसी यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट दिया गया, और इसमें आपको डुअल माइक का सपोर्ट जो है दिया गया, और इसमें आपको 55 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी का सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पे आप गेमिंग का मजा ले सकते हैं। जबकि वहीं पे बात करें ट्रू बीटीजी अल्फा के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 13 mm का बिग बेस ड्राइवर जो है देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ में इसमें भी आपको डुअल माइक का सपोर्ट जो है दिया गया, और ईएनसी का सपोर्ट इसमें भी मिल रहा है, और इसमें आपको 40 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी का सपोर्ट जो है दिया गया। तो इससे भी आप लैग फ्री गेमिंग का मजा ले सकती हूँ। बात करें इन दोनों ही पार्ट्स के बैटरी बैकअप के बारे में, तो बैटरी बैकअप में आपको डिफरेंस मिलेगा। ट्रू बीटीजी 3 में आपको टोटल जो 48 आवर का प्ले टाइम बैकअप दिया गया, और सिंगल चार्ज पे आपको 10 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, और वहीं पे यूएसबी टाइप सी का सपोर्ट जो है इसमें दिया गया है। साथ ही ट्रू बीटीजी अल्फा के बैटरी बैकअप के बारे में बात करें, तो इसमें आपको टोटल जो है 38 आवर का प्ले टाइम बैकअप दिया गया, और जल्दी में वो 5 मिनट चार्ज कर दोगे तो यहाँ पे आपको 100 मिनट का प्ले टाइम बैकअप मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ सिंगल चार्ज पे आपको 7 से 8 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, और इसमें भी आपको यूएसबी टाइप सी का सपोर्ट जो है दिया गया। एंड बात करें इन दोनों ही बर्ड्स के वाटर रेजिस्टेंस के बारे में, तो वाटर रेजिस्टेंस में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। इन दोनों ही बर्ड्स में IPX4 रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट दिया गया, और कनेक्टिविटी को देखा जाए तो इसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। ट्रू बीटीजी अल्फा में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट दिया गया, लेटेस्ट वर्जन दिया गया, जबकि ट्रू बीटीजी 3 में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट जो है दिया गया, तो कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ में दोनों में आपको टच पैड दिया गया, यानी गाने को पॉज भी कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, गेमिंग मोड को एक्टिवेट भी कर सकते हो और डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, साथ ही साथ में कॉल को रिसीव भी कर सकते हो और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला, तो पहले प्राइस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो ट्रू बीटीजी अल्फा की प्राइस होने वाली है 899 रुपए, और ये आज लॉन्च हो जाएगा फ्लिपकार्ट पे, तब आप इसको चेकआउट कर सकते हो। जबकि वहीं पे बात करें ट्रू बीटीजी 3 के प्राइस के बारे में, तो इसकी प्राइस है 1199 रुपए, तो देखा जाए इस समय आपको 200 से 300 रुपए का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। तो अब देखा जाए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। तो स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो ड्राइवर साइज में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलने वाला है। ट्रू बीटीजी 3 में आपको यहाँ पे 10 mm का ड्राइवर दिया गया, जबकि ट्रू बीटीजी अल्फा में आपको 13 mm का ड्राइवर दिया गया, तो ड्राइवर साइज यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे गेमिंग मोड को अगर देखा जाए तो ट्रू बीटीजी अल्फा काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 40 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी दिया गया, जिससे वजह से यहाँ पे आप लैग फ्री गेमिंग का मजा ले सकते हो। जबकि वहीं पे ट्रू बीटीजी 3 में आपको 55 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी दी गई, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लैगिंग की प्रॉब्लम दे जाएगी, क्योंकि लेटेंसी जितनी ही कम रहेगी उतनी ही आप लैग फ्री गेमिंग का मजा ले सके। तो अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो आप ट्रू बीटीजी अल्फा को परचेस करिएगा, 899 रुपए में बेस्ट स्पेसिफिकेशन पा जाओगे, कनेक्टिविटी भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है, ये स्पेशली गेमर्स के लिए, तो गेमर्स के लिए ये बर्ड्स काफी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। बाकी आपके मन में क्या सवाल है, क्या डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहां पे हम लोग डिटेल में बातें कर सकते हो। अगर वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग, टेक केयर, तब तक के लिए।